आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और बातचीत करेंगे इस वक्त के बाजार के एक्शन की। और सबसे पहले नजर डालेंगे सोने चांदी पर, जहां पर हमने देखा है कि गोल्ड स्पेशली अभी भी 49,000 के नजदीक कारोबार कर रहा है। हालांकि एक बहुत छोटे दायरे में ट्रेड हम देख रहे हैं आज के सेशन में, पिछले 3-4 दिनों से स्पेशली आप देखेंगे तो बहुत छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। वहीं अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो 1.5% के आसपास की मजबूती है सिल्वर में, 53,000 के ऊपर जो प्राइसेस हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर ही शुरुआत करेंगे, समझेंगे कि क्या ट्रेड यहां से फर्दर देख रहे हैं। हालांकि हमने देखा है कि कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं ग्लोबली, उससे लगातार सपोर्ट मिला है सोने को। कमजोर डॉलर से भी एक सपोर्ट हमने गोल्ड में आते हुए देखा है। वहीं अगर आप रिटर्न देखेंगे तो YTD रिटर्न अभी भी 25% प्लस गोल्ड की तरफ से आते हुए दिखे हैं। लेकिन हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार हैं बातचीत करने के लिए, और साथ ही एचडी सिक्योरिटीज के तपन पटेल हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का स्वागत है। तपन, गुड इवनिंग। पहले तो आप बताइए क्विकली, गोल्ड सिल्वर दोनों में कोई ट्रेड लेना हो रिमेनिंग सेशन के लिए तो क्या सजेशन रहेगा आपका? सिल्वर में क्योंकि तेजी बनी है तो ज्यादा कन्विक्शन वहां है क्या, क्या सजेशन होगा? जी दीपाली जी, गुड आफ्टरनून। आज के मार्केट की बात करें नॉन एग्री में तो मिला जुला कारोबार है। गोल्ड सिल्वर में फॉर्म ट्रेडिंग रेंज जो है वो बनाए हुए है, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर आज ऊपर ही ट्रेड हो रहे हैं। कॉमेक्स में भी बात करें तो 1800 के डॉलर के ऊपर का जो ट्रेड है गोल्ड में वो बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है आज के दिन के लिए गोल्ड ही एक अच्छा बेट रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि सिल्वर में आगे जाके शायद बेस वर्स की तरफ से प्रेशर आ सकता है। तो गोल्ड में ट्रेड की बात करें तो 48,900 का जो लेवल है वहां से बाइंग की जा सकती है, 48,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाता है। टारगेट ऊपर में 49,100 का मेंटेन करने का रहेगा। जो फैक्टर जो सपोर्टिंग है वो एक जो राइजिंग केसेस है वायरस के वो एक कॉन्स्टेंट फैक्टर है। दूसरा जो मिक्स क्यूज आ रहे हैं ग्लोबल की तरफ से कि जो यूरोपियन लीडर्स है वो एक नए स्टिमुलस प्लान के लिए डिस्कस कर रहे हैं, और यूएस में भी एक नया पैकेज एड का प्लान हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो गोल्ड को एक रिस्क प्रीमियम जो है वो ऐड करेंगे गोल्ड प्राइसेस में। दूसरा, यूएस में काफी स्टेट्स में जो लॉकडाउन है वो भी फिर से लागू किया गया है, तो उसका भी सपोर्ट प्राइस में है। तो मुझे लगे आने वाला दिन में गोल्ड में भी तेजी कंटिन्यू रहेगी, तो गोल्ड एक अच्छा फैक्टर रहेगा बाइंग के लिए। ठीक है, तो गोल्ड में कन्वेक्शन है खरीदारी का, थोड़ा पोजिशन पर्सपेक्टिव से ये सजेशन होगा। अच्छा, एक बार क्रूड पर और व्यू ले लेते हैं, जहां पर हमने देखा है कि डिमांड कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं और प्रोडक्शन जो है वो अक्रॉस कई नेशंस गिरा भी है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट दिखा है। तो क्रूड पर क्या करना चाहिए? वीकनेस देखी है हमने, लेकिन तपन, क्रूड पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? यहां से फर्दर डाउन साइड आपको दिख रहा है क्या? अगर हाँ तो क्या बेचकर चले? जी डेफिनेटली, क्रूड में प्रेशर जो है वो सेलिंग का कंटिन्यू रह सकता है। $40 के ऊपर प्राइस सस्टेन होने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सेलिंग का ट्रेंड ही कंटिन्यू रहेगा। सेल ऑन राइस का व्यू लेके क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहिए। 3,160 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक उसके ऊपर ट्रेड नहीं होता तब तक के लिए क्रूड में सेल करके क्या काम किया जा सकता है। आज के दिन की अगर बात करें तो 3,060 का जो लेवल है वहां से सेल किया जा सकता है, 3,000 का टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस 3,090 के ऊपर का मेंटेन करके अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में काम किया जा सकता है। तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं, पोजीशंस जो है वो बिकवाली की बनानी है, 3,000 तक स्लिप होने की पॉसिबिलिटी है, तो 3,000 के टारगेट्स के लिए आप खरीद सकते हैं। क्विकली देख लेते हैं बेस मेटल्स को, जहां पर हमने पिछले महीने कांस्टेंट तेजी बनते हुए देखी और पिछले 2-3 सत्रों से स्पेशली थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी है। आज के सेशन में आपका व्यू क्या रहेगा तपन, बेस मेटल्स में आप कोई ट्रेड लेना चाहेंगे क्या इन लेवल्स पर? जी मेटल्स की बात करें तो आज के दिन के लिए निकल और लेड दो ही एक है जो है पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो रहे हैं। मेरे हिसाब से निकल में 1,005 का लेवल दिख सकता है, 992 का स्टॉपलॉस लेके निकल में काम किया जा सकता है। अगर कॉपर की बात करें तो 502 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो ही बाय किया जा सकता है, अदरवाइज 502 से 497 की जो रेंज है वो रेंज में कॉपर में ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, तो कॉपर में स्ट्रैटेजी बताई गई है। हालांकि देखिए कॉपर अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ नहीं है, 500 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके अलावा एक नजर डाल लेते हैं बाकी कमोडिटीज पर भी, क्रूड और बेस मेटल्स पर तो हमने व्यू लिया ही है। नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे तो 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, 127-128 के अभी लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये नेचुरल गैस का हाल है। लेकिन एग्री कमोडिटीज में काफी एक्शन है, और आप देखिए स्पाइसेस से शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर जोरदार तेजी हमने
हमने आज के सेशन में देखी है। फ्राइडे के सेशन में भी इनफैक्ट मनोज जी हमने देखा था कोरिएंडर, जीरा ये अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, वो स्ट्रेंथ आज के सेशन में भी एक्सटेंड हुई है। तो आज की तेजी के बाद जहां पर टर्मरिक 1.5% ऊपर है, कोरिएंडर जीरे में भी अच्छी मजबूती बनी हुई है, प्रॉफिट्स ले ले, ट्रिकी ही बना सकते हैं, खरीदारी का ही व्यू है। शुक्रिया मनोज जी और तपन आप दोनों का इशो का हिस्सा बनने के लिए और स्ट्रैटेजीज अलग अलग कमोडिटीज पर बताने के लिए। तो इसके साथ कमोडिटी राउंडअप पे तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं आवाज समाचार। नमस्कार।